अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सब लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव का अवसर पर सब लोगों को मैं बधाई पेश कर रहा हूं। ये हिंदुस्तान एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, सब लोग हैं। ये आजादी पाने के लिए सब लोग कुर्बानी भी किया है। अभी थोड़ा मुसलमान लोगों का नाम भी अभी आप महीने से पहले आपको बोला है, जैसा मौलाना अबुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान, ऐसा लोगों ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, तरह बहुत सारा लोग है, हजारों लोग कुर्बानी करके ये आजादी को लिया है अंग्रेजी से। अंग्रेजी वाले एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, हिंदुस्तान लोगों को बहुत कम देखते थे। वो एक बड़ा क्लब में बाहर एक बोर्ड था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसा बोर्ड था। कितना दर्द की बात है, वो अंग्रेज वाले इतना कम देखते थे ये हिंदुस्तान वालों को, इंडियंस को, कुत्ता और इंडियंस को अंदर नहीं आएंगे बोल के बोर्ड लगाते, कितना दर्द होता है हम लोगों को। इसलिए अंग्रेजों को भगाना था इस देश से बाहर, सब लोग इकट्ठा हुए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बौद्ध, कोई पारसी, सब लोग इकट्ठा होके अंग्रेजी वालों को बाहर फेंक के आजादी को लिया है। एक बात बोलना चाहता हूं, एक घर में काम करने वाली नौकरानी हो, माँ उनका बेटा को कितना प्यार करता है, एक नवाब की घर में रहने वाली माँ हो।